भाई की शादी में कौन कौन होंगे गोलमाल की बिग फैट इंडियन वेडिंग में, क्या सच में वसूली लेंगे चिंटू के साथ फेरे। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। गोलमाल में आज तक आपने इतने सारे इवेंट्स देखे हैं कि अब ऐसा लगता है कि रोहित शेट्टी के पास क्या ही बचा है दिखाने को। चार बड़ी बड़ी गोलमाल फैमिली एंटरटेनर्स बनने के बाद अब क्या नया लेकर आएंगे रोहित, ये गेस कर पाना होगा मुश्किल। मूवी में इतने कैरेक्टर्स, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी दोस्ती, उनका झगड़ा, उनका प्यार, उनकी दुश्मनी, उनका घूमना, उनका आपस में मजे करना सब दिखा चुके हैं रोहित। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है गोलमाल 5 के लिए रोहित का बड़ा प्लान। मूवी के इस 5th इंस्टॉलमेंट में आने वाला है एक साइड कैरेक्टर लाइमलाइट में। जी हाँ, द फेमस वसूली की होने वाली है गोलमाल 5 में शादी। इसकी चर्चा तो अब होने लगी है, मगर बॉलीग्राड स्टूडियोज आप तक लेकर आया है कि कैसे होगी ये शादी। वसूली, जो कि मूवी में संजय दत्त के हमशक्ल होने के किरदार निभाते हैं, रोहित का वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। उनकी लव स्टोरी हमेशा से ही चिंटू के साथ दिखाई गई है, तो बस इस बार उनके प्यार को अंजाम देते हुए वसूली और चिंटू जी की एक बिग फैट इंडियन वेडिंग दिखाने वाले हैं रोहित। आपको ये ग्रैंड वेडिंग गोवा के बीच साइड पर देखने को मिल सकती है, जिसमें पूरी की पूरी गोलमाल की टीम सज धज के ढोल नगाड़ों के साथ करेगी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज। बीच फेसिंग मंडप भी लगाया जाएगा, तो वसूली को शेरवानी और चिंटू को लाल लहंगा भी पहनाया जाएगा। वेडिंग का थीम व्हाइट और रेड होगा, जिसकी वजह से अरेंजमेंट भी इन्हीं कलर्स के होंगे। और हाँ, आपको फेसबुक यानी कि दब्बू का डॉग भी इसी मैचिंग से क्यूट आउटफिट में दिखेगा। दावत भी लगेगी, तो शादी वाला माहौल भी बिल्कुल एक नंबर होगा। गोलमाल में ये शादी दरअसल एक खास रीजन से कराई जा रही है। मूवी में नेगेटिव रोल में परेश रावल एक गुरुजी के किरदार में दिखेंगे, इसी की वजह से गोलमाल की टीम उन्हें पकड़ने के लिए ये झूठी शादी ऑर्गेनाइज कर सकती है। गुरुजी को स्पेशल ब्लेसिंग्स के लिए शादी की शुरुआत में बुलाया जाएगा। ये इनविटेशन वसूली भाई देंगे, क्योंकि वो गुरुजी को जानते होंगे। स्पेशली बड़ी कार से उतरेंगे ये गुरुजी। अपनी ऑथेंटिक नारंगी कलर के लिबास में ये गुरुजी वसूली और चिंटू को आशीर्वाद देने पहुंचेंगे। गुरुजी आएंगे तो अपने आश्रम से, मगर जाएंगे सीधा जेल। ये सीन मूवी का क्लाइमेक्स सीन हो सकता है, जहां गुरुजी की सच्चाई गोपाल बाहर लेकर आएंगे। आज तक जितनी भी लोगों को गुरुजी ने दक्षिणा और दान के नाम पर लूटा होगा, वो सभी इस शादी के गेस्ट होंगे। अब गोपाल वसूली को अगला बकरा बनाने का प्लान बना चुके हैं। गुरुजी वसूली को आशीर्वाद देने के बदले 50 लाख मांगेंगे, वरना उसे श्राप देने की धमकी देंगे। इतना ही नहीं, गुरुजी पंडित को खरीदने की भी बात करेंगे और वसूली को ये जताएंगे कि अगर 50 लाख रुपए अभी के अभी नहीं दिए तो उनकी शादी कोई नहीं कराने आएगा और उनके गुंडे चिंटू यानी कि वसूली की होने वाली बीवी को किडनैप कर लेंगे। बस यही बात गोपाल एंड गैंग छुपके से रिकॉर्ड कर लेगी, जिससे गुरुजी का सच सबके सामने आ जाएगा। गोपाल ऑलरेडी पुलिस को भी इस फंक्शन में इनवाइट कर लेगा, ताकि गुरुजी की सच्चाई सबके सामने आ जाए। ऐसे में बहुत से गवाह तो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे ही, इसलिए उस गुरुजी का असली चेहरा लाने में गोपाल एंड गैंग को आसानी होगी। ये खुलासा वसूली और चिंटू के फेरे लेने से पहले ही हो जाएंगे, इसलिए मूवी में वो सिर्फ शादी करने का ढोंग करेंगे। हमारे फेवरेट वसूली एक बार फिर रह जाएंगे सिंगल। शादी बस एक ड्रामा होगी और गुरुजी की पकड़े जाने के बाद जब कुछ सामने आएगा और वो वसूली के अकेले ही रहना पड़ेगा। What a sad news, but it is what it is. गोलमाल में कुछ चीजें कभी नहीं बदलेगी, जैसे लकी का ना बोलना और वसूली का सिंगल रहना। तब तक आप जल्दी जल्दी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें हमारे वीडियोस को।